बहुत धन्यवाद सर आपका। आज सदन के माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री का और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं सर, आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से। दुर्भाग्यवश पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी की वजह से देश की हर कुछ प्रभावित हुआ है, उसमें भारत सरकार द्वारा, रक्षा मंत्रालय द्वारा हर साल जो सेना की बहाली होती थी वो भी बंद पड़ा हुआ है सर, और लगभग 1 लाख जी से अपनी बात रख दीजिए सर, मैं बस जी बात तो ही रख रहा हूँ सर। 1 लाख रिक्तियां भी हैं सेना में बहाल के लिए, देश के विभिन्न राज्यों से जो देश की सेवा करना चाहते हैं उनकी भावना को भी सम्मान करते हुए, और खासतौर पर मेरे प्रदेश जहां बेरोजगारी बड़े पैमाने पर है, या आपका प्रदेश उत्तर प्रदेश है, सर खत्म तो कर दीजिए सर, जल्दी से कर दीजिए ना, खत्म तो कर रहा हूँ सर। हाँ कह दीजिए, आपका संरक्षण नहीं मिलेगा तो मैं अपनी बात कैसे रखूंगा सर। हाँ तो ये मैं कह रहा था कि रिक्तियां है और जरूरत भी है देश की सेवा के लिए, होनी चाहिए या चाहते हैं तो बेरोजगारी दूर होती है इसके माध्यम से। तो बिहार जैसे प्रदेश में जो केवल निर्भरता नौकरी पर है और सेना का बहाली नहीं हो रहा है तो बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है सर। इसलिए आपके माध्यम से मैं सरकार से, माननीय रक्षा मंत्री से, माननीय प्रधानमंत्री से भी अनुरोध करूंगा कि यथाशीघ्र सुरेश जी